All of you, how are you all? Today I'm going to start next video of chapter 2 of class 10. तो हम लोगों ने control and coordination जो chapter आपका second उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, stimulus के बारे में पढ़ा था, response के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग को पूरा detail में क्या पढ़ना है, plant के बारे में, कि control और coordination वहाँ कैसे होता है plant में, ठीक है? तो प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम नहीं होता. नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये नहीं है उनके पास. सेंस ऑर्गन नहीं है, जैसे आपको पता है सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, वो उनके पास नहीं है. लेकिन वो सेंस कर सकते हैं, यानी कि वो समझ सकते हैं चीज़ों को, दे कैन स्टिल सेंस थिंग, ठीक है. द प्लांट्स कैन सेंस प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि उनको पता चल जाता है क्या स्टिमुलाई के बारे में, स्टिमुलाई क्या हो सकता है, स्टिमुलाई क्या प्लूरल है, लाइट, ग्रेविटी और वाटर, केमिकल्स हो गया, टच, ये सब वो फील कर सकते हैं और उसको हिसाब से ये रिस्पॉन्ड यानी रिएक्ट भी कर सकते हैं. प्लांट कैन सेंस थिंग्स, जैसे अभी बोला कि ये सब ये कर सकते हैं, कैसे, बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, उनमें हॉर्मोन्स बनता है. स्टिमुलाई जैसे लाइट, ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंसेस हो गया, क्या है, आर्क और इन्वायरमेंटल चेंजेस, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, ऑब्वियस से बात है, अभी लाइट है, अगर रात में नहीं होगी लाइट तो क्या इन्वायरमेंट में चेंज है. ग्रेविटी, ग्रेविटी तो होता ही है हर जगह, इसका तो कोई बात ही नहीं करना है. केमिकल सब्सटेंसेस हो गया, है फिर नहीं है, तो उसके हिसाब से वो कर सकते हैं. वाटर प्रेजेंस है नहीं है, तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल चेंज ही है. सो वी कैन से डैट प्लांट क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन, यानी कि उसके हिसाब से ये चेंज करता है अपना हार्मोन यूज़ करके. ऐसे नहीं हो जाता, ये अपना क्या करता है, हार्मोन का यूज़ करता है, क्योंकि इसके पास ब्रेन तो है नहीं. हार्मोन्स इन प्लांट्स डू नॉट एक्ट द सेम वेज एंड इन एनिमल, क्योंकि हम लोग में भी हार्मोन्स बन रहा है, लेकिन क्या है, अलग है, डिफरेंट वे में रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि प्लांट का सारा चीज़, सारा फंक्शन, सारा टिश्यू सेल अलग अलग है, हम लोग में अलग अलग है, काम भी अलग अलग है, तो इसमें भी क्या होगा, हार्मोन्स का काम भी अलग है. हार्मोन्स इन प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट यानी तालमेल बैठाते हैं, किस तरीके से ये ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ग्रोथ के ऊपर असर डालते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होगा, उसके मूवमेंट होगा, जैसे शूट में और रूट में, क्योंकि ये यहीं बनता है. हार्मोन्स शूट में और रूट के टिप पे बनता है, टिप यानी पॉइंट पे, अपर पॉइंट हो गया और रूट वाला क्या होगा, नीचे लोअर पॉइंट. एनिमल यूज करता है बोथ नर्वस सिस्टम, जो मैं बता चुकी हूँ अभी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, और हार्मोन्स दोनों का यूज़ करता है अपने एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन प्लांट के पास तो नहीं है, तो प्लांट सिर्फ हार्मोन्स का यूज़ करता है. तो ये वही लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों के हिसाब से ये क्या करता है, रिएक्ट करता है हार्मोन्स की वजह से. प्लीज़ नोट डैट एनिमल कैन रिस्पॉन्ड क्विकली, हम लोग काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास नर्वस सिस्टम है. अगर हम लोग के पास भी सिर्फ हार्मोन्स से रिएक्ट करना रहता तो हम लोग का भी स्लो मूवमेंट होता. तो प्लांट्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली, क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है. तो ये क्या करेगा, स्लोली ग्रोथ करके ये रिस्पॉन्ड करता है. इन मोस्ट ऑफ द केस, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, रिस्पॉन्ड ऑफ ए प्लांट्स इज टू स्टिमुलस कैन नॉट बी ऑब्जर्व, आपको जल्दी नहीं दिखेगा इमीडिएटली. इट यूजली टेक्स अ कंसिडरेबल टाइम, यानी कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसकी ग्रोथ को देखने के लिए, ठीक है. फ्रॉम द अबव डिस्कशन हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केमिकल सब्सटेंसेस परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग प्लांट हार्मोन बोलते हैं, या फिर इसको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है. यही यहाँ लिखा है, फाइटो मतलब होता है प्लांट, ठीक है. नेक्स्ट है, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा डोरमेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का वर्ड. तो ए रेस्टिंग या इनएक्टिव कंडीशन ऑफ विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप इज कॉल्ड डोरमेंसी. ये वर्ड आप ऐसे समझ लो, जैसे कोई सीड है, जैसे चना है, तो आप देखते हो चना जब खरीद के लाते हो तो उसमें से प्लांट नहीं निकलता, तो वो अभी किस स्टेट में है, यानी कि वो ऐसे तो अगर आप उसको पानी में डाल दोगे, फुला दोगे और थोड़े देर दिन उसको छोड़ दोगे धूप में और उसको पानी ही मिलते रहेगा, तो उसमें से क्या होगा, पेड़ निकल आएगा. लेकिन आप उसको अगर पानी में नहीं डालते हो तो उसको कितना भी दिन तक स्टोर करके रखते हो वो ऐसे ही रहता है, मरता नहीं है. उसको कभी भी आप डाल दोगे पानी में थोड़े दिन बाद देखोगे तो उसमें से पेड़ निकल आएगा. ऐसा क्यों हुआ, ठीक है. तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो रेस्टिंग स्टेट में था, यानी कि वो कोई इनएक्टिव या रेस्टिंग स्टेट का मतलब हुआ, कंडीशन का मतलब हुआ कि उसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा. नहीं हो रहा का मतलब
ना उसमें कोई चीज़ बन रहा है ना उसमें कोई चीज़ टूट रहा है, वो सिर्फ एज ए स्लीपिंग फेज में है, यानी कि वो सोया हुआ है। जैसे बियर हाइबरनेशन में चला जाता है, 6 महीना तक सोता है, फ्रॉग हो गया वो भी हाइबरनेशन में जाता है, एस्टिवेशन में जाता है, वैसे ही कुछ ये अभी स्लीपिंग फेज में है। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, डोरमेंसी का टर्म क्या हुआ, स्लीपिंग फेज, यानी कि ये स्लीप या अभी सोया हुआ है। ठीक है, द सीड ऑफ ए प्लांट, जैसे मैं बता रही थी, क्या है, इनएक्टिव या डोरमेंट है, यानी कि स्लीपिंग फेज में। इट हैज डोरमेंसी, इसके पास डोरमेंसी है। ए सीड मस्ट हैव सर्टेन कंडीशन, एक सीड को कुछ कंडीशन चाहिए ताकि वो स्लीपिंग फेज उसका खत्म हो सके, उसका नींद टूट सके। जैसे हो गया वाटर, वार्म, यानी वार्म का मतलब हुआ, यहाँ वार्म लिखा है, यानी हल्की गर्मी चाहिए, हॉटनेस नहीं चाहिए। ठीक है, एयर और हॉर्मोन्स चाहिए टू ब्रेक देयर डोरमेंसी एंड टू जर्मिनेट टू फॉर्म ए सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है, जो नया नया जो एक दो पत्ता निकलता है सीड से, वो क्या होता है, उस फेज को सीडलिंग बोला जाता है। तो इसको कौन कौन सा चाहिए, वाटर, वार्म, एयर में आपको इसको ऑक्सीजन चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सीड को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ताकि ये मेटाबॉलिज्म अपना परफॉर्म कर सके, क्योंकि अभी इसमें पत्ता नहीं निकला है, तो ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत अभी नहीं है, ऑक्सीजन की है। अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग डोरमेंसी इज बड, बड जिसमें से आपका ब्रांच निकलता है। ठीक है, बड मतलब कली भी होता है, जिसमें से फ्लावर निकलता है, लेकिन ये ब्रांच की बात कर रहा है, जिसमें ब्रांच निकल रहा है। ये क्या है, बड इज यंग अनडेवलप्ड शूट, जैसे मैंने बोला कि इससे ब्रांच निकलता है, विच एन ब्रेकिंग डोरमेंसी कैन परफॉर्म ए ब्रांच। ठीक है, अनडेवलप्ड शूट है ये, मतलब डेवलप नहीं है, जब ये इसका डोरमेंसी टूट जाता है, यानी ये जब स्लीपिंग फेज से बाहर आ जाता है, तो इसमें से ब्रांच निकलता है। ए लीफ और ए फ्लावर डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजिशन इन द प्लांट, यानी बड जहाँ पे है ये डिपेंड करता है कि उसमें से क्या निकलेगा, पत्ता निकलेगा, फ्लावर निकलेगा, या फिर ब्रांच निकलेगा। तो ये बड के पोजिशन पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे है। द ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ ए बर्ड ऑल्सो रिक्वायर सर्टेन प्लांट हॉर्मोन्स, ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, प्लांट हॉर्मोन उसके अंदर ही होता है, अगर सीड है तो सीड के अंदर, बर्ड है तो बर्ड के अंदर ही होता है। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, इन सबको देखते हुए हम लोग प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स भी नाम है। तो आप यहाँ देखो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ प्लांट, ये प्लांट के एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, तालमेल बैठाते हैं, कंट्रोलिंग वन और द अदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ये ग्रोथ के थ्रू ही ये मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं एक तरीके से। सो द प्लांट हॉर्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, यानी प्लांट हॉर्मोन को प्लांट ग्रोथ, क्योंकि ये ग्रोथ करवा के ही मूवमेंट करवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड थ्री स्टेजेस, ग्रोथ कैसे होगा प्लांट में, या तो सेल डिवाइड करेगा तो सेल डिवीजन बोलेंगे, सेल इनलार्जमेंट यानी सेल अपने जगह से थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, सेल इनलार्जमेंट का मतलब ये नहीं है कि सेल ग्रोथ ये भी डिवाइड करेगा, इनलार्ज मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम उसका बड़ा हो गया। सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब अगेन आप ये मत समझना कि सेल डिवाइड कर रहा है, यहाँ इसका मतलब है सेल अब डिवाइड नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है, सेल डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड करने की एबिलिटी खो दी उसने, तब उसको बोला जाता है सेल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ सेल डिवाइड करने की जगह ये एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, सिर्फ एक काम करेगा। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा है क्या, सेल डिफरेंशिएशन होके किस में बदल जाता है, परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में जब बदल गया तो अब वो डिवाइड करने की एबिलिटी उसके पास नहीं रही, वो सिर्फ एक ही फंक्शन या एक दो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसको बोला जाएगा सेल स्पेशलाइजेशन, यानी सेल अब डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंड दीज स्टेजेस हैव पार्टिकुलर लोकेशन इन द प्लांट, और ये हर जगह पे नहीं होगा, कुछ कुछ पार्टिकुलर लोकेशन है, सिर्फ वहीं हो सकता है ये सब ग्रोथ। दीज थ्री स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एज वेल एज प्रमोशन ऑफ डोरमेंसी, प्रमोशन ऑफ डोरमेंसी यानी कि कुछ प्लांट हॉर्मोन आपका क्या करता है, डोरमेंसी यानी स्लीपिंग फेज को प्रमोट करता है, जहाँ मतलब कि कोई ऐसा प्लांट हॉर्मोन है जो बढ़ा देता है, मान लिए अब वो चीज़ सीड 1 महीने डोरमेंट स्टेट में रहने वाला था, स्लीपिंग में रहने वाला था,
उसको बढ़ा के ये 2 महीने में कर सकता है। यही है प्रोमोशन ऑफ डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का मतलब जहाँ आप एक महीने में होने वाला उसको 15 दिन में ही वो इस हार्मोन की वजह से उसका स्लीपिंग फेज खत्म हो जाए, डोरमेंसी खत्म हो जाए। वो क्या है डोरमेंसी, ये भी कौन करवा रहा है? हार्मोन्स। स्टोमाटा ओपन और क्लोज होना, ये कौन करवाएगा? हार्मोन्स। फॉलिंग ऑफ लीव, पत्ता का झड़ना, ये भी कौन है? हार्मोन्स करवाएगा। फ्रूट का ग्रोथ, ये हार्मोन्स करवाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट का पकना, हार्मोन्स कंट्रोल करेगा। एंड एजिंग इन प्लांट यानी एज बढ़ना प्लांट का, प्लांट में से धीरे धीरे पत्ता झड़ जाएगा, तो वो सब क्या हुआ? तो ये सब प्लांट हार्मोन करेगा और कंट्रोल बाय वेरियस प्लांट हार्मोन। तो मेनली ये 4 ही टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स, ठीक है। फाइटो हार्मोन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं, क्या? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ABA बोला जाता है, ठीक है। जनरली ये भी ग्रोथ करवाता है, ये सारे के सारे एक तरीके से ग्रोथ करवाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ का अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन है जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, तक ये आपको नाम याद होने चाहिए।